ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण पहला खंड पांचवा अध्याय विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति। भगवान सदाशिव ने कहा, हे प्रिय, हमें एक ऐसा मनुष्य उत्पन्न करना चाहिए जो सब विद्याओं में पारंगत हो और जिसके ऊपर हम संपूर्ण सांसारिक भार को छोड़कर आनंद पूर्वक विहार कर सकें। भगवान त्रिशूल पाण के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती जगदम्बा जी ने अपनी बाई ओर देखा तो उनकी इच्छा से तुरंत ही एक मनुष्य पैदा हुआ। वह मनुष्य बेहद खूबसूरत, कलावान, बुद्धिमान और शीलवान था। उसका संपूर्ण शरीर श्यामवर्ण चंद्रमा जैसा था। वह अपने भाल पर त्रिपुंड धारण किए हुए था। वह पीले रंग के कपड़े भी पहने हुए था। उसका प्रत्येक अंग सुडौल एवं परम सुंदर था। वो संपूर्ण विद्याओं का निधान, महाप्रतापी, सिद्ध रूप और पवित्र था। वो पैदा होते ही बारंबार दंडवत करता हुआ भगवान सदाशिव और भगवती उमा के सम्मुख आ हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस सुंदर मनुष्य को देखकर उमा सहित उमापति शिव जी बेहद खुश हुए। वह भी इन दोनों को देखकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद उसने हाथ जोड़कर इन दोनों की स्तुति और प्रशंसा करते हुए प्रार्थना की, हे पिता और मातेश्वरी, आप मेरा नाम रखकर मेरे योग्य जो भी काम हो उसे बताएं। यह सुनकर श्री शिव जी बोले, तुम्हारा नाम विष्णु होगा। पूरी सृष्टि में तुम्हारे जैसा तेजस्वी और प्रतापी कोई भी प्राणी पैदा नहीं होगा। तुम्हारा यश पूरे संसार में निरंतर फैला रहेगा। संसार के सभी मनुष्य तुम्हें हरि, चतुर्भुज, भगवान, अचुत्य जैसे नामों से पुकारेंगे। तुम भक्तों के सभी मनोरथ पूरे करने के लिए पैदा किए गए हो। अब तुम्हें तपस्या करनी चाहिए जिससे तुम्हें अधिक तेज और सामर्थ्य मिले। इतना कहकर भगवान सदाशिव ने विष्णु को योग विद्या का उपदेश दिया। तब विष्णु एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने में संलग्न हो गए। हे नारद, वे 1000 साल तक एक ही आसन पर बैठे हुए योग साधन द्वारा भगवान सदाशिव का ध्यान करते रहे। लेकिन जब उन्हें तपस्या का कुछ भी फल नहीं मिला तो उनके हृदय में अत्यंत शोक हुआ। उसी समय जिस तरह वर्षा में बादल गरजते हैं, ठीक उसी तरह यह आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम मन लगाकर फिर से तपस्या करो, क्योंकि हम सुगमता से किसी को दिखाई नहीं देते। इस आकाशवाणी को सुनकर उन्होंने दोबारा अत्यंत कठिन तपस्या करना शुरू कर दिया। उस कठिन तपस्या के कारण विष्णु के पवित्र शरीर से इतना पसीना निकला कि उससे एक नदी बह निकली। उस अवस्था में बैठे हुए विष्णु जब बेहोश हो गए तब उनका नाम तीनों लोकों में हर नारायण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वे इस प्रकार बेहोश हो गए कि जैसे कोई नींद में शयन कर रहा हो। उसी हालत में भगवान सदाशिव की इच्छा से विष्णु की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। उस कमल में बहुत सी पंखुड़ियां थीं। वह देखने में बहुत ऊंचा, बेहद खूबसूरत और लंबा था। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु को उत्पन्न करने के पश्चात भगवान सदाशिव ने मुझे अपनी दाहिनी भुजा से उत्पन्न किया और उसी कमल पर बिठा दिया। मेरा रंग लाल था। मेरे 4 मस्तक थे जो चारों दिशाओं की ओर खुल रहे थे। मेरे अन्य सभी अंग विष्णु के समान ही थे। मैं भी अत्यंत सामर्थ्यवान और तेजस्वी था। उसी समय मैंने यह आकाशवाणी सुनी, हे पुत्र, तुम्हारे अज, ब्रह्मा, धाता, विधाता, प्रजेश, परमेष्ठी
बहुगर्भ जैसे अनेक नाम होंगे, लेकिन मैं उस समय यह नहीं जान सका कि मुझे उत्पन्न करने वाला है कौन। हे नारद, भगवान सदाशिव की माया तीनों भुवनों को घेरे हुए है। वे जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए जब मैं यह नहीं जान सका कि मैं किसके द्वारा पैदा हुआ हूं और किसका पुत्र हूं और उस कमल के पुष्प की जड़ कहां है, तब मैंने अपने मन में यह सोचा कि जिसके मूल से यह कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ है वही मेरा पिता होगा। ऐसा निश्चय करके उस कमल की जड़ को जन्म देने वाले अपने पिता का पता लगाने के लिए मैं उस कमल की डंडी के मार्ग से उस जल के भीतर जा पहुंचा जिसमें होकर वह कमल नाल ऊपर को निकली हुई थी। हालांकि मैं उस कमल नाल के सहारे सैकड़ों कोस तक पानी के भीतर चला गया, लेकिन मुझे उसके उद्गम स्थान का कोई भी पता नहीं चल सका। तब मैं निरंतर 100 सालों तक प्रयत्न करने के बाद निराश होकर, शोक से व्याकुल होकर उसी स्थान पर वापस लौट आया जहां से नीचे की ओर गया था। जब मैं पुनः ऊपर लौटकर आया तो यह देखकर मेरे आश्चर्य की सीमा न रही कि वहां वह कमल पुष्प कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था जिस पर मैं पहले बैठा हुआ था। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मुझे अत्यंत चिंता हुई। तब मैंने इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी से अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। हे नारद, उस समय मुझे चिंता युक्त देखकर यह आकाशवाणी हुई जिसके द्वारा 2 अक्षर प्रकट हुए। उन अक्षरों के सहारे 16 और 21 अक्षरों का और ज्ञान हुआ जिनसे मैं बहुत सी बातें जान सका। ठीक उसी समय भगवान सदाशिव की इच्छा से उस जल में अचेत होकर पड़े हुए विष्णु सचेत होकर मेरे समीप आ गए। वे रत्न जटित किरीट पहने हुए थे। उनके शरीर का रंग मेघ के समान श्यामल था। उनके उस मनोहारी प्रकाशवान स्वरूप को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इसमें किसी तरह का संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सदाशिव जो चाहते हैं वही होता है। इसलिए मैंने विष्णु के उस स्वरूप को देखकर पूछा, आप कौन हैं? विष्णु ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मन, हम ब्रह्म, अलख, निरंजन, हरि, भूपति, निर्विकार, अचिंत्य तथा सच्चित आनंद स्वरूप हैं। हम तुम्हारे पिता हैं और हमारी ही नाभि कमल द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। अब तुम निर्भय हो जाओ, क्योंकि हम तुम्हारे रक्षक हैं। हमसे ऊपर, हमारे समान या हमसे उत्तम कोई नहीं है। हम सभी के स्वामी हैं। हे नारद, विष्णु जी ने यह बात अज्ञान अवस्था में ही कही थी कि हम ही उत्तम हैं और हम ही ब्रह्म हैं, क्योंकि वे उस समय शिव जी की माया से अचेत थे। भला इस संसार में ऐसा कौन है जिसे भगवान सदाशिव की माया भुलावे में नहीं डाल सकती? हे नारद, विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर मुझे अत्यंत क्रोध आया। तब मैंने उनसे कहा, हे विष्णु, तुम्हें ऐसी असत्य बातें नहीं कहनी चाहिए और थोड़ा कैवल्य भाव का भी निश्चय करो। यदि तुम हमें उत्पन्न करने वाले होते तो वेद हमें ब्रह्मा, पितामह, विधाता, परमेष्ठी आदि नामों से नहीं पुकारते। हम स्वयं ही इन तीनों गुणों को धारण करके संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए तुम्हें हमारे प्रति ऐसे शब्द नहीं कहने चाहिए। मेरी बात सुनकर विष्णु बोले, हे ब्रह्मा, तुम्हें ऐसे अज्ञान में पड़ना उचित नहीं है। इस सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तुम नहीं हो, बल्कि हम ही हैं। हम ही सब जीवों को उत्पन्न करके उनका पालन करते हैं और प्रलय काल में सबको नष्ट कर देते हैं। हमारे हरि, ईश, अचुत्य आदि सर्वोत्तम नाम हैं। हमारी माया के वशीभूत होकर सब लोग अपना ज्ञान भुला बैठते हैं, इसलिए तुम भी ऐसा ही कह रहे हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है।
यह संपूर्ण संसार हमारे द्वारा ही उत्पन्न हुआ है और हमारे ही अधीन बना रहता है। हम ही ने वेदों को बनाया है और तुम्हें नाभि कमल से पैदा किया है। हमसे अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। तुम अपने नामों का अहंकार मत करो और क्रोध को त्याग कर जो वचन कहने लायक हों उन्हीं का प्रयोग करो। जिस तरह अंधा मनुष्य आंखों की महिमा का, निर्धन मनुष्य धनवान की अवस्था का वर्णन करे, उसी प्रकार वेद ने भी तुम्हारे नामों का वर्णन किया है। यदि तुम हमारा पूजन करोगे तो वह शुभ होगा, वरना हम तुम्हें अपनी शक्ति से नष्ट कर देंगे। हे नारद, विष्णु के ऐसे अहंकारपूर्ण शब्द सुनकर पहले तो मुझे बहुत हंसी आई, फिर हृदय में इतना क्रोध उत्पन्न हुआ कि मैं उनका शत्रु बन गया और उनसे कहा, हे विष्णु, जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य को झड़क कर बुलाता है उसी तरह तुम हमें उपदेश दे रहे हो। हे नारद, इस तरह कहते हुए मैं और विष्णु आपस में युद्ध करने लगे। शिवजी की माया से मोहित होकर हम दोनों ने बहुत समय तक खूब युद्ध किया, क्योंकि हम दोनों ही अपने को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी समझते थे।